जागते रहो, सोने का नहीं। हाँ कितना टाइम बचा है? 70 डेज है। अच्छा अभी 72 है, उस दिन 74 देखिए। चलो फिर एक काम करें यार, यहाँ लिखते चलते रहो हर बार। 70 डेज लेफ्ट, और यहां पर भी लिख लो भाई, ओनली ओनली 70 डेज लेफ्ट। सही है ना? अच्छा नेक्स्ट, इसमें मैं अगला निकालना चाहता हूं, पी बी बार बाय ए बार। अगला हम फाइंड आउट करना चाहते हैं पी बी बाय बी बार अपॉन ए बार। पी बी बार इंटरसेक्शन ए बार अपॉन पी ए बार। बेटा ए बार इंटरसेक्शन बी बार क्या होता है? ए यूनियन बी का होल बार। अरे एक रूल बताया था डी मॉर्गन्स लॉ। तो ए बार इंटरसेक्शन ए बी, देखो बी बार का उल्टा बी, इंटरसेक्शन का उल्टा यू, ए बार का ए और होल बार। अब सबका बाहर निकालना, तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी अपॉन 1 माइनस पी ए। ए यूनियन बी क्या गिवन था? 5/6, तो 10/12 लिख दिया भाई मैंने। पी ए क्या गिवन था? 2/3, 2/3 को मैंने 8/12 लिख दिया, तो 2/12 अपॉन 4/12 क्या आ गया आंसर? 1/2। अरे बेटा इनमें से एक प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है इस टाइप की, ठीक है? फॉर्मूला एक ही है बस, उनको जो पहले मैंने वो टेबल बनाई है, मैंने पहले ही बोला था वो सारी यूज में है और वही यूज में आ रही है। तो ये तो आपका डायरेक्ट प्रॉब्लम होगी, जो डायरेक्ट प्रॉब्लम पूछ सकता है वो ए बार ए बाय बी, बी बाय ए और इस तरह से कुछ भी। अब बाकी की प्रॉब्लम कैसे बनती है वो देखते हैं। ऑनलाइन क्लियर है ये? कैसे निकाला? यस देखो भाई, टू कॉइंस आर टॉस साइमल्टेनियसली इफ इट इज नोन दैट फर्स्ट कॉइन सोज हेड, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सेकंड कॉइन आल्सो सोज हेड। भाई हमें ये निकालना है कि सेकंड कॉइन पर भी हेड आ रहा है और हमें पता है पहले कॉइन पे हेड आ रहा है। अब देखो इस तरह की प्रॉब्लम को कैसे करते हैं बिना फॉर्मूले के यूज किए हुए। आपको क्या पता है कि पहले कौन पे क्या आ रहा है?
बेटा यदि पहले कौन पे हेड आ रहा है तो या तो ये केस बनेगा या ये केस बनेगा, बस मुझे पता है कि पहले कौन पे क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, तो या तो हेड हेड बनेगा या हेड टेल बनेगा, तो टोटल केस कितना हो गया। अब दूसरे कौन पे भी क्या आ रहा है, सो आंसर इज 1/2, इसलिए इसका आंसर 1/2। आपको गिवन है पहले कौन पे हेड आ रहा है, तो उसके दो केस हो सकते हैं, या तो पहले कौन पे हेड आ रहा है तो दूसरे पे हेड आ रहा है, या पहले पे हेड आ रहा है तो दूसरे पे टेल आ रहा है, तो दो केस पॉसिबल है, और दूसरे कौन पर भी हेड आ रहा है इसका मतलब 1/2। तो डायरेक्ट निकालने का केस चाहिए, क्या ये प्रॉब्लम समझ में आई क्या। एक और देखो, अ डाइस इज थ्रोन टू टाइम्स if it is known that sum on the two dice then find the probability that देखो हमें ये पता है कि सम ऑन द डाइस 9 है, तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि डाइस पर कम से कम एक 4 आ रहा है, तो सम ऑफ द डाइस 9 कौन कौन से केस में आता है, 9 3, 6, 4, 5, 4, 6, 3 कितने केस हुए टोटल, और नंबर 4 कितनी बार आ रहा है, अगेन द प्रोबेबिलिटी इज। अब ये मत सोच लेना हर एक की 1/2 आएगी, तो इसका प्रोबेबिलिटी आ गया 2/4 = 1/2। अब यदि मैं यहां सम 9 की जगह सम 7 कर दूं तो अब बोलो आंसर कितना आएगा। कितने केस आ गए, आंसर कितना आ गया 1/3। क्लियर है। अब A family has two children. If it is known that first child is a girl, find the probability that other child is also a girl. First child is a girl, then find the probability that other child is also a girl. 1/2. Pehla beta first case kya hua? Girl, girl. Ab dono girl hai. To answer kya ho gaya? 1/2. Koi dikkat?
इसको चेंज करो, बोथ आर गर्ल्स, लिखो अ फैमिली हैज टू चिल्ड्रन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, इफ इट इज नॉन डेड एटलीस्ट वन इज ए गर्ल, एटलीस्ट वन इज ए गर्ल, बोलो वन बाय, बिल्कुल सही है, वन बाय थ्री। बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल, ये तीन केस आएंगे भाई, कम से कम एक गर्ल और दोनों गर्ल है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, वन बाय थ्री, प्रोबेबिलिटी इज वन बाय थ्री। क्लियर। अब इस पर अपन कल, ये तो हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे, इस तरह की प्रॉब्लम बनती तो कल मिक्स प्रॉब्लम करेंगे, मतलब आगे चालू करते इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जो जो सो रहे थे वो जाग जाओ।